Hello, Peter. तो हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो कि स्पाइडरमैन नो वे होम में काफी सारे हमारे कमाल के कैरेक्टर दिखने वाले हैं, मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट दिखने वाला है, और देन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो कैरेक्टर है टॉबी मैकफायर और एंड्रू गारफील्ड, ये दोनों ही कैरेक्टर हमें इस मूवी में देखने को मिल सकती है। यानी कि 50% चांसेस है कि हमें ये देखने को मिलेंगे, 50% चांस है कि ये दोनों ही नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपडेट और रूमर्स इतने तगड़े हैं कि फैंस कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल मूवी में। तो ये तो मूवी देख के पता चलेगा, क्योंकि पहले टीजर में भी हमें ये चीजें रिवील नहीं हुई थी। अगर आपने अभी तक टीजर नहीं देखा तो जाके देखो, वैसे तो हो ही नहीं सकता, सब मार्वल फैंस ने ट्रेलर देखा ही होगा, टीजर देखा होगा, स्पाइडरमैन नो वे होम का। तो चलिए बात करते हैं आज के अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तू करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड, तो फिर आग लगी बस्ती में, बेबी आर यू फाइन, सब करूं वाइंड, तू तो इतनी हॉट है, मैं क्रॉस करूं लाइन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये आ रहा है कि जो कि है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में टॉबी मैकफायर और एंड्रू गारफील्ड को 40 मिनट की स्क्रीन टाइमिंग मिलेगी। जी हाँ, आपको एंडिंग में फुल एक्शन सीन देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि टॉम हॉलैंड, टॉबी मैकफायर, एंड्रू गारफील्ड एक साथ देखने को मिलेंगे, और 40 मिनट की स्क्रीन टाइमिंग होने वाली है। कह सकते हो कि लास्ट का एंडिंग का फाइटिंग का सीन हो सकता है। ये एक रूमर है, मैं अपनी तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, बस काफी टाइम से वीडियो नहीं डाली थी, मैंने सोचा कि यार ये इतना तगड़ा रूमर आ रहा था, उसके ऊपर तो वीडियो बना दिया जाए। आपको अगर इस पर यकीन होता है, अगर आपको रिलेटिव और भी कुछ अपडेट पता चलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देन इंस्टाग्राम पर बताओ। यार मैं रिप्लाई तो नहीं दे पा रहा, पर कोशिश करूंगा यहाँ सबके धीरे धीरे रिप्लाई दूँ। तो ये था अपडेट कि 40 मिनट तक की स्क्रीन टाइमिंग मिलेगी टॉबी मैकफायर और एंड्रू गारफील्ड को स्पाइडरमैन नो वे होम में। अब देखते क्या होता है, देन विलेंस तो सारे रिवील्ड हो चुके, ऑलमोस्ट 6 के 6 विलेंस हमें देखने को मिले स्पाइडरमैन नो वे होम के पहले टीजर में, और बाकी मूवी में क्या देखने को मिलेगा वो तो बहुत ही कमाल का होने वाला और बहुत ही अलग लेवल का होने वाला है। तो गाइस मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए, और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।